बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर की खबर के साथ करेंगे, जहां पर किडनैपिंग और मर्डर का मामला सामने आया है। क्या यूपी में गुंडे एक बार फिर से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने लगे हैं, ये बड़ा सवाल है। साथ ही कानपुर का लैब असिस्टेंट मामला जैसे सामने आया था, उसमें किडनैपिंग और मर्डर हुआ था, अभी ये मामला लोग भूले भी नहीं थे कि गोरखपुर से किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए एक नाबालिग को अगवा कर उसे मार डाला। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के जिस नाबालिग की हत्या हुई है, वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। आपको बता दें कि रविवार को उसे अगवा किया गया था और इस वारदात में 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वारदात पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का आदेश दिया है। बच्चे की हत्या के बाद परिवार में सदमा है, मातम पसरा हुआ है और साथ ही जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। अरे बबुआ, अरे नाना, वो मैया बबुआ कहाँ चली, बबुआ को मैं तू आई वो मैया, अरे अमर बबुआ बबुआ हमारा तो के मुखिया लगत बन रे मैया। अरे मेरे बच्चे को 10 बजे घर आया था, वो रहता है वो अपने दादी दादा के पास दुकान पे, वहाँ तक 12 बज के कुछ मिनट तक था। उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। जब वो काल 3 बजे वो सब किए तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है, तो हम पूरे गांव में ढूंढे। पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढे, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। तब हम लोग उस समय प्रशासन को इतला किया, 12 बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है, 3 बजे किडनैप से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की पनौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार, मेरी आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं आपके? पान की छोटी सी दुकान है। यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है, राज्य में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन अपराधी बेलगाम हैं, क्रिमिनल बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइज थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है। एक अभागी माँ मोबाइल पर अपने बेटी की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। 5वीं में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे की अब यही निशानी बाकी है। रविवार को बेटा बलराम गुप्ता दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। वहाँ तक 12 बज के कुछ मिनट तक था, उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। जब वो काल 3 बजे वो सब किए तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है, तो हम पूरे गांव में ढूंढे। पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढे, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। 5 बहनों के बीच बलराम घर का अकेला चश्मे चिराग था। जैसे ही पता चला कि बेटा किडनैप हो गया है, बहन बदहवास होकर रोने बिलखने लगी। घर वाले गांव और आसपास के इलाके में खोजने भागे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलता कैसे, उसे तो किसी अपने की ही नजर लग गई थी। फिर घर वाले पिपराइज थाने इस उम्मीद में पहुंचे कि उनके इकलौते बेटे को पुलिस जरूर खोज लेगी। कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद पुलिस को, लोकल पुलिस को इत्तला हुई
और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई तीन टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी तीन टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। 14 साल के बलराम गुप्ता के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपहरणकर्ताओं की 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड पूरी करना उनके बूते की बात नहीं थी। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांगा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहां से देंगे। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, ये अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे भी सर्विलांस में लगाया गया। बलराम जहाँ खेलने गया था वहाँ भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उम्मीदें कमजोर पड़ रही थीं, और फिर वो मनहूस खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर लाश गांव के पास ही नाले में फेंक दी थी। देखिए अभी प्राइमरी फेस जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीजें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको बताएंगे। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली है, गले में निशान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि गला दबाकर हत्या की गई हो। अब तक की जांच में पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पर हत्या और 2 पर अपहरणकर्ताओं को फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है, लेकिन इसमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम को न सिर्फ जानता था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। निखिल भारती उसी मिश्रौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है, बच्चे को जानते भी हैं ये लोग। और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है, कि 4-8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। कानपुर के संजीत यादव कांड की तरह ये वारदात भी पैसे के लिए अंजाम दी गई थी, लेकिन एक बार फिर यूपी पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने में नाकाम रही। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।